हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसीजन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आईसीसी अरेबियन टी20 लीग की बात करेंगे, जो कि मैच होने वाला है यहाँ पर एचएसबीसी और यहाँ पर टीसीसी स्टारलेट्स के बीच में। तो चलिए दोनों टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कप्तान और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि पूरी टूर्नामेंट हम लोग इसी YouTube चैनल के ऊपर कवर करेंगे। इसके साथ साथ यहां से आपको और भी कई सारी टूर्नामेंट्स के वीडियोस मिलने वाले हैं, जैसे कि हम लोग यहां पर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो होने वाली है उस सीरीज को पूरा कवर करेंगे। इसके साथ साथ यहां से आपको मिलेगी CBFS T20 के T10 के वीडियोस मिलेंगे और भी कई सारी टूर्नामेंट चल रही है, वो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको यहीं पर मिलेंगे। तो YouTube चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, साथ ही मैं टेलीग्राम से भी जुड़िएगा, क्योंकि इस मैच की और आगे आने वाली सारे अच्छे मैचेस की फाइनल अपडेट और फाइनल मेरी स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग की जो भी टीम रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूँ। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। बात करते हैं इस मैच की। तो ये मैच शाम को 7:30 पर ICC एकेडमी ग्राउंड नंबर 2 दुबई UAE में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिच यहाँ पर बैटिंग के लिए अच्छी पिच है, बहुत ही आला किस्म के रन्स बनते हैं यहाँ पर, इवन 350 के प्लस भी यहाँ पर रन्स बन चुके हैं, 357, तो उस लेवल के स्कोर भी बन जाते हैं। और बाकी यहाँ पर चेजिंग रिकॉर्ड की बात की जाए तो चेजिंग के आंकड़े लगभग इक्वली है, तो टॉस का कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। बाकी बात करें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टीम HBC की, जो कि 6 मैच खेलिए सारी की सारी यहाँ पर हार के आ रही है अपनी पहली जीत की चलास में, जो कि इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहने वाला है। ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग में यहाँ पर हारून रशीद भट्ट और तुआन शमसुद्दीन ने ओपनिंग करवाया। देखो इस टीम से ना मुझे ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अभी ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम ये 100 रन भी नहीं बना पाई ये टीम, तो यहाँ पर ऐसे कुछ रहेगा क्योंकि इनका बैटिंग लाइनअप जब कॉलेप्स होता है तो एक साथ में सब सारे के सारे यहाँ पर कॉलेप्स हो जाते हैं। तो इसके लिए ओपनिंग में जो आए थे राशिद भट्ट वो पहली मैच के अंदर काफ़ी नीचे, इसके पहले वाली मैच के अंदर काफ़ी नीचे खेले थे, तो बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे होता रहेगा। राशिद भट्ट एक अच्छे प्लेयर है ओवरऑल, तो कोई रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हैं। बाकी मैं यहाँ से इस टीम से आई थिंक यहाँ पर 2-3 प्लेयर ही सजेस्ट करूँगा। तुआन शमसुद्दीन टीम के कप्तान है, परफॉर्मेंस के बारे में कहूँ तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं, ओवरऑल भी ठीक है यहाँ पर, हालाँकि इनसे आप लोग बैटिंग से थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकते हैं, जो कि इन्होंने अभी तक किया नहीं है। बैटिंग से हाईएस्ट इनके इस टूर्नामेंट के अंदर अभी तक 10 रन रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से हम लोग अभिषेक गोपी की बात करते हैं, जो कि इस मैच से पहले यानी कि इसके पहले वाली जो मैच थी ना वहाँ पर इनकी बैटिंग भी नहीं आई थी और लास्ट मैच के अंदर वन डाउन आ गए, क्योंकि इनके पास बैटिंग में जो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है तो ये किसी को भी यहाँ पर बैटिंग से ऊपर नीचे करते रहेंगे, और इसमें अगर कोई 15-20 रन मार जाता है तो ये अलग बात है। बाकी अभी के लिए गोपी भी बहुत ज़्यादा रिस्की रहेंगे। यहाँ से हम लोग नीलेश चैनानी को जरूर लेके जाएंगे, जो कि पिछली दोनों मैच के अंदर ओवर्स भी करवा रहे हैं, इवन बैटिंग से भी पहली मैच के अंदर 30 रन की एक अच्छी पारी खेली थी। जोइद अलाहगुन की बात करते हैं, ये बैटिंग ठीक ठाक करवा लेता है वैसे, 8 मैच के अंदर करीब 28 की वजह से 141 रन है, लेकिन पिछली दोनों मैच के अंदर इन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। पहली मैच के अंदर 10 रन किए थे और लास्ट मैच के अंदर 4 रन किए, ठीक है कोई चॉइस नहीं मिले तो ट्राई करेगा। रजा अनवर, जो कि इस टीम की बात करूँ तो मैक्सिमम टाइम इन्होंने ओपनिंग करवाया, समझ लीजिए कि शुरुआत की 4-5 मैचेस के अंदर इन्होंने ओपनिंग ही करवाया है, लास्ट मैच के अंदर 6 नंबर पर बैटिंग के लिए आए जहाँ पर 4 रन किए, तो बैटिंग से तो कुछ खास किया ही नहीं, लेकिन लास्ट मैच के अंदर एक अच्छा काम किया इन्होंने 4 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए जहाँ पर 2 विकेट निकाली। ओवरऑल देखिए आप 82 मैच के अंदर सिर्फ 27 विकेट है, तो बॉलिंग से तो एक्सपेक्टेशन है ही नहीं यहाँ पर, ओवर्स करवाएंगे या नहीं करवाएंगे ये भी कंफर्म नहीं है, बैटिंग से ये बंदा इतना अच्छे फॉर्म में है नहीं, तो थोड़ा सा रिस्क है इनको लेके जाने में, फिर भी आप लोग चाहो तो ले सकते हैं। फहद मर्चेंट विकेट कीपर बल्लेबाज, 27 रन की इन्होंने सेकंड लास्ट मैच के अंदर, बाकी ओवरऑल ओके कोई चॉइस ना मिले तो देखते हैं। फिर शमसी ने लास्ट मैच के अंदर एक विकेट निकाला था, ये बंदा 2-3 ओवर्स की गेंदबाजी करेगा, रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हैं। बाकी मोहम्मद शाद, जो कि पिछले दोनों मैच के अंदर विकेट निकाल रहा है, इवन लास्ट मैच के अंदर बैटिंग से भी इन्होंने 25 रन किए थे, ओवरऑल 84 मैच के अंदर करीब 15 की एवरेज से 359 रन है, 96 विकेट है। इसके अलावा से विहार भुज, जो कि पहली मैच के अंदर एक विकेट और लास्ट मैच के अंदर एक विकेट निकाला, ओवरऑल 12 मैच के अंदर 10 विकेट है, राइट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ राइट आर्म मीडियम पास गेंदबाज। इसके अलावा ऐसे हिमांशु पारेख, जो कि लास्ट मैच के अंदर विकेट लेस रहे, लेकिन इनसे आप लोग उम्मीद कर सकते हैं, 8 मैच के अंदर ओवरऑल 7 विकेट है इनकी, तो आई थिंक ये रेगुलर यहाँ पर 2-3 ओवर्स की गेंदबाजी जरूर करवाएंगे। स्टार्टिंग ओवर में यहाँ पर विहार भुज के साथ यहाँ पर मोहम्मद साद,
देथवस में अपर विहार भुज के साथ रजा अनवर ने देथवस में गेंदबाजी की। और इसके अलावा बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन करना। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। स्क्वाड काफ़ी बड़ा है और बहुत सारे बदलाव वगैरह देखने को मिल सकते हैं आपको लाइनअप के बाद, तो इसके लिए अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टीम DCS की। तो DCS ने भी अभी तक 6 मैच खेली जिसमें से सिर्फ एक ही मैच जीती है, 5 मैच हारी है। लेकिन यहाँ पर ये दो टीम को कंपेयर करें, इस दो टीम को SBC और DCS को, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। यहाँ पर एज कम्पेयर टू SBC DCS थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग टीम है। ओपनिंग की बात करें तो वंश कुमार उनके साथ राइजल नदीर ने ओपनिंग करवाया था। अभी देखो राइजल नदीर काफ़ी कम एज के प्लेयर है, करीब 16 साल का लड़का है। और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ खास किया नहीं इन्होंने अभी तक, एक मैच के अंदर 10 रन किए थे वो कि इनके हाई स्कोर है। इससे पहले भी इनको एक टूर्नामेंट के अंदर मौका मिला था, वहाँ पर इन्होंने एक 32 रन की पारी खेली थी। कंसिस्टेंट है लेकिन हो सकता है चॉइस ना मिले तो ट्राई करिएगा। बाकी वंश कुमार को जरूर ट्राई कर सकते हैं आप लोग, इस मैच के लिए आपको एक बड़ा एडवांटेज बैटिंग से दे सकते हैं, तो ये इस मैच के लिए इंपॉर्टेंस रहेंगे। सिवल बाबा इस मैच के लिए कप्तान वाइस कैप्टन मैं जरूर सजेस्ट करूंगा जी, क्योंकि ये पिछली तीन चार मैच के अंदर रेगुलर 4 ओवर्स की गेंदबाजी पूरी करवा रहे हैं, तो इस मैच के लिए मैं कप्तान वाइस कैप्टन सजेस्ट करूंगा, क्योंकि सामने वाली टीम काफ़ी वीक है, तो यहाँ पर बैटिंग या तो बॉलिंग से आपको एडवांटेज दे सकते हैं सिवल बाबा। इसके अलावा ऐसे रमेश शहजाद लास्ट मैच के अंदर 2 रन किए, इसके अलावा ऐसे 26-80-40 इस प्लेयर को जरूर लेके जाना है, इस प्लेयर को बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि ये बंदा इंटरनेशनल प्लेयर है, UAE की तरफ से इंटरनेशनल मैचेस खेलता है अपनी नेशनल टीम के लिए, तो डेफिनेटली आप लोग इनको लेके जाइएगा। इवन जो लोग रिस्क ले सकते हैं ग्रैंड लीग में इनको कप्तान वाइस कैप्टन कर सकते हैं। मोहम्मद अनिक पिछली मैच सारी मैच के अंदर विकेट निकाल रहे, 4 मैच के अंदर लगातार विकेट निकाल रहे, लेकिन लास्ट मैच के अंदर इन्होंने एक ही ओवर्स की गेंदबाजी करवाई थी, तो आगे ओवर्स करवाएंगे पूरी करवाएंगे नहीं करवाएंगे, क्योंकि इससे पहले इन्होंने 4-4 ओवर्स की गेंदबाजी 2 बार करवाई हुई है, तो भरोसा कर सकते हैं। आयान मिसबा की बात करें तो 25-50-25 कुछ स्कोर इन्होंने किए हुए, लेकिन बैटिंग ऑर्डर इनका काफ़ी नीचे, और जिस तरह से सामने वाली टीम की बॉलिंग लाइनअप है शायद इनकी बैटिंग आए ना आए, तो मैं थोड़ा सा रिस्की मानता हूँ यहाँ पर मिसबा को, तो शायद मैं इनको ड्रॉप कर सकता हूँ। बाकी सूर्या सतीश मेरे लिए इस मैच के लिए कप्तान वाइस कैप्टनशिप की चॉइस है। इसके लिए वैसे हृदय शर्वाणी काफ़ी नीचे खेलते तो मैं अभी के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। अंगद नेहरू की बात की जाए तो अंगद नेहरू ने पिछली दोनों मैच के अंदर बैटिंग नहीं करवाई, लेकिन इसके पहले उन्होंने ओपनिंग करवाई थी जहाँ पर 22 रन किए थे। आगे कौन से नंबर पर आएंगे कह नहीं सकते, लेकिन ओवर्स पूरी करवा रहे थे, इनको हम लोग एज अ प्लेयर जरूर लेके जाएंगे। आयास रहजा की बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक है, इनको डेफिनेटली लेके जाना है। बाकी आहिल नगरवाला की बात की जाए तो लास्ट मैच के अंदर एक विकेट निकाला था, कोई चॉइस ना मिले तो आप लोग इस प्लेयर के ऊपर रिस्क ले सकते हैं। ओवरऑल 10 मैच के अंदर 6 विकेट है 30 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए, और लास्ट मैच के अंदर भी एक विकेट इन्होंने निकाला था। स्टार्टिंग ओवर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आकाश रहजा के साथ यहाँ पर सूर्या सतीश, डेथ ओवर्स में यहाँ पर शिवल बाबा के साथ यहाँ पर मोहम्मद अनिक डेथ ओवर्स में गेंदबाजी किए। और इसके अलावा बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन करना, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी डेमो फैंटेसी टीम कौन सी हो सकती है, कौन से प्लेयर को लेकर जाना हमारा, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन की बात की जाए तो पर वंश कुमार और फारूक मर्चेंट को लिए, देखो वंश कुमार तो यार डेफिनेटली हमारी टीम के अंदर नहीं है, फारूक मर्चेंट को लेने के पीछे मेरा रीज़न एक ही है, क्योंकि HBC का बैटिंग लाइनअप काफ़ी वीक है, तो यहाँ पर बैटिंग से काफ़ी नीचे भी खेलेंगे फिर भी इनकी बैटिंग आएगी, थोड़े बहुत रन बना लेता है ये 10-15 या पर 15-20 रन, और साथ में विकेट कीपिंग भी करवा लेता है, तो शायद यहाँ पर आपको कैचिंग से स्टंपिंग से भी पॉइंट्स दे सकता है, तो इसके लिए यहाँ पर फारूक मर्चेंट मेरी टीम के अंदर है। बाकी बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर विहार भूज है, और इनके साथ हमारी टीम के अंदर यहाँ पर रमेश शहजाद रहेंगे। मैंने आपको बताया वीडियो के अंदर इस प्लेयर को ड्रॉप नहीं कर सकते हम लोग, इंटरनेशनल प्लेयर है और काफ़ी अनुभवी प्लेयर है। इसके अलावा ऐसे बात करें हम लोग यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन की, तो सूर्या सतीश है इनके साथ, यहाँ पर आकाश रहजा है, शिवल बावा और यहाँ पर एन चैनानी हमारी टीम के अंदर रहेंगे। बाकी यहाँ से बात की जाए बॉलिंग सेक्शन की तो मोहम्मद अनिक, मोहम्मद साद और इनके साथ अंगद नेहरू हमारी टीम के अंदर रहेंगे। बाकी नगरवाला को आप लोग ट्राई कर सकते हैं, लास्ट मैच के अंदर ओवर्स करवाई थी पूरी इन्होंने, तो शायद यहाँ पर 2-3 ओवर्स की तो मिनिमम गेंदबाजी करवा सकते हैं। टीम की बात करते हैं तो कप्तान है हमारे यहाँ से सिवल बावा, वाइस कैप्टन यहाँ पर सूर्या सतीश है। बाकी किसी प्लेयर के ऊपर रिस्क लेना तो आई थिंक रिस्की रहेगा, लेकिन अगर DCS पहले बैटिंग करवाए तो इस प्लेयर के ऊपर आप लोग रिस्क ले सकते हैं, रमेश शहजाद के ऊपर, क्योंकि ये बंदा अगर मूड में रहा तो आई थिंक यहाँ पर सेंचुरी तक कर सकता है, और वैसे भी सामने वाली टीम की बॉलिंग लाइन अब थोड़ी सी वीक है, तो उस चीज़ का फ़ायदा यहाँ पर रमेश शहजाद को मिलेगा। बाकी टीम की जिस तरह से रहेगी इसमें कुछ बदलाव वगैरह रहेंगे तो फाइनल टीम टेलीग्राम में दी जाएगी आपको, तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन करना, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है।
वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल के ऊपर जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग करोगे क्या? देखो, करना कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, वीडियो को पूरा देखो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी विनिंग करते रहो। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।